जी हाँ, माधुरी दीक्षित के सामने छलका अभिषेक का दर्द। माधुरी के सामने अभिषेक को आ गई अपनी एक्स ईशा मालविया की याद। क्या हुआ चलिए आपको ये बताते हैं। असल में बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स रियलिटी शो डांस दीवाने के मंच पर एक साथ नजर आए थे। तो वहीं बात अगर इस रियलिटी शो के डांसर्स की करें तो बता दें कि इस रियलिटी शो में हर उम्र के कंटेस्टेंट्स अपना हुनर दिखा रहे हैं। इस शो को माधुरी दीक्षित और सुनील शेट्टी जज कर रहे हैं। वहीं भारती सिंह है इस शो की होस्ट। शो के प्रमोशन के लिए बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट्स को बुलाया गया और एपिसोड में अभिषेक कुमार, ईशा मालविया, समर्थ जुरेल, अंकिता लोखंडे, विकी जैन, सनी आर्या, इनके साथ साथ कई सितारे दिखाई दिए। वहीं अब चैनल ने एक प्रोमो शेयर किया है जिसमें अभिषेक कुमार इस रियलिटी शो में अपने फेवरेट डांसर को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। अभिषेक शो में कंटेस्टेंट गौरव और नितिन को सपोर्ट कर रहे हैं। अभिषेक ने कहा कि मैं गौरव और नितिन को सपोर्ट करना चाहता हूं, ये दोनों मेरे फेवरेट्स हैं। इसके बाद नितिन और गौरव ने शानदार डांस दिखाया और भारती के साथ खड़े होकर स्टेज पर गाना भी गाया। गाना जानते हैं कौन सा? गाना वो जो अभिषेक को सूट करता है, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। गाना सुनने के बाद अभिषेक के दिल का दर्द मानो फिर से छिड़ गया हो। अभिषेक ने माधुरी के सामने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, मुझे मेरी एक्स की याद आ गई ये गाना सुनकर। जी हाँ, अभिषेक ने ईशा मालविया की याद आने की बात कही। बता दें कि इस शो में मनारा, ऐश्वर्या, नील, अंकिता, विकी, ईशा, इन सब ने भी परफॉर्मेंस दी थी। इसके साथ साथ अंकिता, विकी ने डांस दीवाने के कंटेस्टेंट्स को गिफ्ट भी दिया, जो कि एक चांदी का सिक्का था जिस पर तीन देवियां बनी हुई थी। जी हाँ, बिग बॉस के दीवानों ने डांस दीवाने के मंच पर अपना दर्द और दीवानगी सब कुछ फिर से जिया। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।